बिजू बाबू जाऊची, पांड्यन जी आसुची, कुछ दिन बाद नवीन बाबू जाऊची, पांड्यन जी आसुची, नवीन बाबू भी। दूसरी बात क्या है कि मैं घूम रहा था बुलंगीर सब जगह करीब 1000 किलोमीटर के दरमियान, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब से ये पांड्यन साहब आए थे तो बीजू पटनायक का पोस्टर भी गायब हो गया, कुछ दिन बाद नवीन पटनायक भी गायब हो जाएगा। बीजू बाबू जाऊची, पांड्यन जी आसुची, ये स्थिति है कोई है उड़ीसा में। बीजू बाबू जाऊची, पांड्यन जी आसुची, कुछ दिन बाद नवीन बाबू जाऊची, पांड्यन जी आसुची, नवीन बाबू भी। अब उड़ीसा के लोग को तय करना है। मैं तो अपने पोस्टर देख रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कितने महान लीडर थे, देखिए हमारे ओपोनेंट रहे होंगे कांग्रेस में, पहले थे बिजू बाबू, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ उड़ीसा, वन ऑफ उड़ीसा ग्रेटेस्ट सन। हमारी किस्मत अच्छी थी, जब मैं एसपी था तो मेरी मुलाकात उनसे एक बार हुई थी एक ऑपोजिशन रैली में पटना में, मैनी मैनी ईयर्स पर। उस व्यक्ति का फोटो अगर पोस्टर में हट जाए तो उड़ीसा का जो मान सम्मान कहां गया है। इसलिए मैं बोलता हूं उड़ीसा फॉर ओडियास, फॉर दी ओडियास, बाय दी ओडियास, ऑफ दी ओडियास। बार बार हम यही बोल रहे हैं आप लोगों को कि हम, जब मैंने बीजू बाबू का पोस्ट, क्यों हम उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, लेकिन हम उनको अभी भी जो है हम उनको सलाम करते हैं। और उस अगर आदमी का पोस्टर से फोटो हट गया तो हमारा दिल टूटता है, और आपका भी दिल टूटना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए कि ये क्या संस्कृति बना दिया कि एक कोई एक्स आईएएस ऑफिसर आपका बीजू बाबू का पोस्टर कर से फोटो हटा दे। ये आपकी स्थिति होगी। ये दो बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए ओडिया अस्मिता, ओडिशा के लोग का अस्मिता, मान सम्मान कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और पांडियन जी को हम कहना चाहेंगे कि अगर हम सोशल फंक्शन में बीजू बाबू का फोटो पार्टी की तरफ से तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा इज्जत देते हैं। बहुत दुख हुआ कि ऐसे ऐसे पोस्टर अब बीजेडी ने शुरू कर दिया लगाना।